सो है गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने स्मार्टफोन में MIUI 12 का जो अपडेट है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि जो पुराना वाला कंट्रोल सेंटर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपके स्मार्टफोन में MIUI 12 का जो अपडेट है वो नहीं आया है, फिर भी आप कैसे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं गाइस। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, कुछ पुराने तरीके से आपको यहाँ पे इंटरफेस दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा स्मार्टफोन जो रेडमी Y3 है, इसमें आपको कोई भी अपडेट देखने के लिए नहीं मिलेगा MI का इसके बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सिस्टम अपडेट में जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कोई भी अपडेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MIUI 11 ही आपको यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई भी अपडेट देखने के लिए नहीं मिलेगा, फिर भी आप कैसे इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आपको सिंपल से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है गाइस। लेकिन उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले आप यहाँ पे मेरे स्मार्टफोन का ज़रा सा लुक देख लीजिए। कुछ पुराने तरीके से आपको यहाँ पे लुक दिख रहा होगा, कुछ पुराना सा कंट्रोल सेंटर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गाइस, जो कि आपको MIUI 11 में देखने के लिए मिला था, कुछ उसी तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे उस एप्लीकेशन का नाम है MIUI कंट्रोल सेंटर। जी है गाइज, MIUI कंट्रोल सेंटर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गाइज। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा लोगो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो एप्लीकेशन है वो आपको प्ले स्टोर पर एकदम फ्री में देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, कंट्रोल सेंटर और उसके बाजू में आपको दिखने के लिए मिल जाता है नोटिफिकेशन शेड। तो यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन को सिंपल से रनिंग पे इनेबल कर देना है गाइस। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये पहले से रनिंग पे है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरफेस है वो अभी तक इनेबल नहीं हुआ है। तो आपको ऐसे सिंपल से उसमें एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग में जाना है और यहाँ पे इसे ऑन कर देना है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ही ऑन था, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने इसे ओके पे सेट कर दिया है और यहाँ पे हमें बैक आ जाना है। तो गाइज यहाँ पे बैक आने के बाद मैं अपना इंटरफेस दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, सिर्फ इनेबल करने से यहाँ पे आपको MIUI 12 का जो अपडेट है वो लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पे देखने के मिल रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में नोटिफिकेशन शेड और राइट साइड में आपको यहाँ पे पूरा कंट्रोल सेंटर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, आप यहाँ पे इसे एकदम से चेंज भी कर सकते हैं पुराने तरीके से। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन शेड चाहिए उसे भी आप इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको राइट साइड में कंट्रोल सेंटर दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आप इसे एकदम से चेंज कर सकते हैं आपके मुताबिक। तो यहाँ पे नीचे में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज। और हाँ गाइज, आप इस एप्लीकेशन को अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। आपको जैसा भी इंटरफेस यहाँ पे चाहिए आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो गाइज। इस एप्लीकेशन की यही खासियत है, आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, लेआउट, कलर्स, डाटा यूसेज, एज ट्रिगर्स और पॉपअप्स जैसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वही आप इसे स्टेटस बार को भी अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो गाइज। जैसे भी आपको इंटरफेस चाहिए आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो नोटिफिकेशन का जो शेड है वो यहाँ पे बढ़ा दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल्स का जो शेड है वो यहाँ पे ऐसा एडजस्ट करने के बाद आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो गाइज। तो यहाँ पे मैं इसे मिडल में ही रख देता हूँ ताकि दोनों तरफ यहाँ पे बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप इसे अपने हिसाब से एकदम बढ़िया तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हो गाइस, जैसे भी आपको यहाँ पे इंटरफेस चाहिए। और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस एप्लीकेशन को क्लोज करते हो तो ये जो एप्लीकेशन है वो काम करना बंद कर देगा। तो इससे पहले आपको इस एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉक कर देना है गाइस रिसेंट के सेंटर में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते गाइज, मैं इस एप्लीकेशन को लॉक कर दिया है और यहाँ पे बाकी के एप्लीकेशन है वो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ गाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एकदम बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है गाइज। पूरे MIUI 12 का जो अपडेट है उसी तरीके से यहाँ पे आपको इंटरफेस दिख रहा है, वो इसी तरीके से आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर दिख रहा है। तो यहाँ पे बाकी के एप्लीकेशन को क्लोज करने के बाद इस एप्लीकेशन को भी मैं क्लोज कर देता हूँ गाइज। और वहीं पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गाइज, यहाँ पे इस एप्लीकेशन ने काम करना बंद कर दिया है। जैसे मैंने आपको कहा था, इस एप्लीकेशन को आपको रनिंग में रखना है रिसेंट एप्लीकेशन में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रनिंग दिखा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसे बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही है, यानी कि इस एप्लीकेशन ने बैकग्राउंड में काम करना बंद कर दिया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है कैसे आप अपने स्मार्टफोन में MIUI 12 का जो अपडेट है वो एकदम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपकी कोई भी तकलीफ है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। तो गाइज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।